है वेदांता लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो वेदांता में हमको 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। यहाँ से वेदांता आप रिकवरी दिखा सकता है, अपने इस हाई को भी ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। जब गिरावट आई थी स्टॉक ने 480 के लेवल से रिजेक्शन लिया था, जो इसका मेजर सपोर्ट था 420 का लेवल, जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन लिया था हम देख सकते हैं सपोर्ट भी लिया था, उसी सपोर्ट के आसपास से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। लगातार फिर हमको यहाँ से तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और हम देख सकते हैं जो पिलर्स 360 के लेवल पर इंटर हुए वो इस लेवल में भी बने हुए। जितनी बड़ी बाइंग हमको देखने के लिए मिली थी, क्या उतना बड़ा सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है? अगर सेलिंग आई भी है, गिरावट आई भी है, तो हमको अगेन बायर्स एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। मतलब वेदांता यहाँ से कुछ बड़ा करने वाला है। वेदांता आपने रिसेंट हाई को जहाँ से रिजेक्शन लिया है, इसको ब्रेकआउट देने वाला है, इसके पूरे पूरे चांस बनते नज़र आ रहे हैं। नीचे की ओर जहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, मेजर सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, 440 का रहेगा और ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 420 का लेवल, इसके तगड़े सपोर्ट रहेंगे। स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है और हम देख सकते हैं जहाँ इसका इससे पहले रिजेक्शन लिया था उसी लेवल से रिजेक्शन फेस करता नज़र आ रहा है, 460 का लेवल। लेकिन जब रिजेक्शन लिया है तो क्या उतना बड़ा हमको गिरावट देखने के लिए मिली है? स्टॉक अपने हाई के आसपास ही नज़र आ रहा है, बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिली। तो 460 का लेवल ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है वेदांता। अपना पहला टारगेट रहेगा 460 का लेवल, इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 470 और इस बाउंस बैक के साथ मेजर जो रेजिस्टेंस फेस करेगा, जो अपना में टारगेट भी रहेगा 480 का लेवल रहेगा, जहां से इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई है। लेकिन चार्ट पैटर्न देखे जंप आया, गिरावट आई तो लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जंप पर हाई ब्रेकआउट किया है, अगेन गिरावट आई, स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है तो अपने इस हाई को ब्रेकआउट देने के चांस बन रहे। लेकिन 480 के आसपास फ्रेश बाइंग को अगर अवॉइड करके चला जाए तो ठीक रहेगा, इसका रेजिस्टेंस एरिया, इसके ब्रेकआउट के बाद वाला के पोजीशंस बनाई जा सकती है, फिर स्टॉक हमको यहाँ से 490 से लेके 500 तक का जम दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।